बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन्स प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम के तहत नौजवानों को आसान कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस मौके पर खिताब में कहा कि हमारे नौजवान बासलाहियत हैं और इनके जज्बे बुलंद हैं। नौजवानों को अपने पाँव पर खड़ा करना चाहते हैं। नौजवानों को 5 लाख से 75 लाख तक कर्जा फराहम किया जाएगा। नौजवानों के लिए 5 से 15 लाख रुपए के कर्जे पर शरह सूद 5% होगी। हम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। पाकिस्तान को बचाने की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। निगरान वज़ीर आला की तकरीर के खिलाफ PTI का इलेक्शन कमीशन लाहौर ऑफिस के बाहर एहतजाज। हमाद असरज, शफकत महमूद, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर रहनुमा शरीक। यास्मीन राशिद बोली, रजीम चेंज के किरदार मुसलत किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़ा फैसला मंजूर नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ PTI की आईनी पिटिशन तैयार कर ली। मोहसिन नकवी की तैनाती को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का पंजाब और KP में पोल डे मुकर्रर करने के लिए गवर्नर से राब्ते का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदालत इलेक्शन कमीशन के इजलास में बताया है, इंतखाबी मवाद, वोटर्स लिस्टें, पोलिंग स्टेशन का काम मुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोल डे मुकर्रर होने के बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी ना लेने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला हाउस की जानिब से भिजवाई गई गाड़ियां वापस कर दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि मैं ज़ाती गाड़ी और पेट्रोल इस्तेमाल करूंगा। निगरान वज़ीर आला की आमदोरफ के दौरान ट्रैफिक बंद ना करने की हिदायत। वज़ीर आला की सूबाई काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत। काबीना मुख्तसर रखे जाने का इम्कान। सूबाई काबीना में माहिरीन को शामिल किया जाएगा। पहले मरहले में 8 वज़रा की तैनाती का इम्कान। हेडलाइंस आपने जानी खबरें तफसील के साथ। DHA Phase 2 लाहौर में मारूफ सहाफी आफ्ताब इकबाल के छोटे भाई जुनेद इकबाल के कैफे की इफ्तताही तकरीब। इफ्तताही तकरीब में ताजिर बरादरी समेत दीगर शोबा जात जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। जूनीस कैफ़े में तमाम कस्टमर्स को बिलखसूस लोअर मिडिल क्लास के वर्कर्स को बेहतरीन खाना और नाश्ता बहुत रियायत से मिलेगा। इस तकरीब में राना नुमान अशरफ एडवोकेट ने मियाँ कासिम एडवोकेट के हमरा शिरकत की। राना नुमान अशरफ ने जुनेद इकबाल को खसूसी मुबारकबाद पेश की और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने बैंक से रकम निकलवा कर निकलने वाले शहरियों से लाखों रुपये लूटने वाले 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। जमान मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, रहीम या खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला की पुलिस को 40 से ज़ायद वारदातों में मतलूब थे। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस ने बैंकों से पैसे निकलवा कर निकलने वाले शहरियों को लूटने वाला 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, रहीम या खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला की पुलिस को 40 से ज़ायद डकैती की वारदातों में मतलूब थे। 1 माह कबल भी मुलजमान ने मुजफ्फरगढ़ के थाना सिटी और थाना सिविल लाइन की हदूद में बैंक से पैसे निकलवा कर निकलने वाले शहरियों से असले के जोर पर लाखों रुपए लूटे और फरार होने में कामयाब हो गए थे। पुलिस तर्जुमान वसीम खान कोपांग के मुताबिक गैंग का सरगना ब्लैक बेरी मुखबरी के शुबे में बाप बेटे के कत्ल की वारदात में भी मुलव्वस है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक खतरनाक गैंग की गिरफ्तारी पर DPO अहमद नवाज शाह की जानिब से SHO थाना सिटी इफ्तिखार मलकानी के लिए नकद इनाम और सर्टिफिकेट्स का ऐलान भी किया गया। A1 TV से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। सब पे नजर, अंदर की खबर।